आज हम शुरू करने वाले हैं पेडागोजी में अपना पांचवा चैप्टर और ये होगा लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। इस शिक्षण के स्तर को समझने के लिए हमें अपने पिछले चैप्टर के पास्ट में जाना पड़ेगा। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं और शिक्षण विधियों में मैंने बताया कि आपको बाल केंद्रित शिक्षण विधियां मिलेंगी लगभग 13 से 14 अलग अलग, और वो अलग अलग प्रकार के लेवल्स पर होती हैं। यानी कि छोटे बच्चों के लिए आप अलग शिक्षण विधियां यूज करेंगे, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए अलग, और जब बच्चे अपने मानसिक परिपक्वता के बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जब उनका मेंटल डेवलपमेंट, उनके अंदर जो कल्पना शक्ति, जो चिंतन, जो तर्क करने की शक्ति, निगमन, आगमनात्मक चिंतन, सब कुछ जब उनका डेवलप हो चुका होता है, उस टाइम पर आपको उनका जो पढ़ाने का लेवल होगा वो ले जाना पड़ेगा रिफ्लेक्टिव लेवल पर। तो आज इसी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये जो शिक्षण के स्तर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इस पूरी वीडियो को देखना, आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी टीचिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कि टीचिंग एग्जाम में जो आपसे टीचिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी आत्मा क्या है। तो जितने भी किताबें आपने अब तक पढ़ी है और जितने भी वीडियोज आपने देखी है, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो यू विल फील अमेजिंग। तो चलिए अपना कीमती समय दीजिएगा एंड आई वॉन्ट डिसअपॉइंट यू, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। जो शिक्षण का पहला स्तर होता है वो होता है मेमोरी लेवल, जिसको हिंदी में स्मृति स्तर कहते हैं। जो शिक्षण का दूसरा स्तर होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे बोध स्तर बोलते हैं, और कई जगह पर आपने इसको अवबोध स्तर के नाम से भी जाना होगा। और जो तीसरा स्तर होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको मनन या फिर चिंतन स्तर भी बोलते हैं। अब एक बात सोचने की है, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूं एक मिनट के लिए, और आप मुझे बताइए कि आप प्राइमरी क्लास में जब पढ़ाने जाएंगे तो आपके सामने होगी सबसे पहले पहली या फिर आप कहें दूसरी क्लास। पहली और दूसरी क्लास को जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आप उनको मेमोरी लेवल पर पढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पढ़ाएंगे या रिफ्लेक्टिव लेवल पर पढ़ाएंगे? आप इसका आंसर दीजिए मुझे। अब देखिए, इसका आंसर जब तक आप सोच रहे होंगे तब तक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं कि मेमोरी लेवल के अंदर आपकी अलग टीचिंग मेथड होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में अलग टीचिंग मेथड होते हैं, और रिफ्लेक्टिव लेवल में अलग टीचिंग मेथड होते हैं। हां जी, आपने आंसर सोच लिया होगा कि आप पहली और दूसरी क्लास को कौन से लेवल पर पढ़ाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से ये सोच रहे होंगे कि आप उनको रिफ्लेक्टिव लेवल पर पढ़ाएंगे, लेकिन आप एक बात सोचिए, रिफ्लेक्टिव लेवल पर अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप उनके अंदर 3 प्रकार की शक्तियां विकसित करेंगे। वो 3 प्रकार की शक्तियां क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करूं तो सबसे पहली जो शक्ति है वो है विश्लेषण करना, दूसरी शक्ति विश्लेषण के अलावा क्या है? संश्लेषण करना, और तीसरी शक्ति है यहां पर मूल्यांकन करना। तो क्या छोटे बच्चे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें उन्होंने मानसिक विकास का जो है 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया था। तो जो पहली और दूसरी क्लास है तो उसमें बच्चे की एज क्या होगी? 5 से 6 साल। तो वो कौन सी स्टेज में हुई? सेकेंड स्टेज। आप मुझे बताइए, जो सेकंड स्टेज है जीन पियाजे की, उस एज में क्या बच्चे ये कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब बच्चों के अंदर मानसिक शक्ति ही नहीं है संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन करने की किसी भी चीज के बारे में, तो आप उन्हें रिफ्लेक्टिव लेवल पर कैसे पढ़ा देंगे? तो आंसर आएगा, आप उन्हें मेमोरी लेवल पर पढ़ाएंगे। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपको अपने भारत देश के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, इंटरेस्टिंग क्लास होगी पूरी। आप देखना कि हिसाब किताब तरीका जो यूट्यूब पे अपनाया जाता है उससे बिल्कुल अलग क्लास होगी। चलिए देखिए,
जब आप इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे तो आपने इंडिया की बात की, और बात करते हैं इंडिया की कैपिटल की, न्यू दिल्ली। ठीक है, आप अगर बच्चों को सिर्फ इतनी नॉलेज देते हैं कि इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, तो आप उन्हें कौन से लेवल पर पढ़ा रहे हैं? आप उन्हें पढ़ा रहे हो मेमोरी लेवल पर। चलिए, आप अगर बच्चों को इंडिया की कैपिटल दिल्ली क्यों है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली क्यों है, अगर आप बच्चों को ये समझा रहे हो और आपके बच्चे इसको समझ पा रहे हैं, और इस बात का उत्तर अपने शब्दों में दे पा रहे हैं, यानी कि आपने उनको समझाया कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं इंपॉर्टेंट, और यहीं से ही संसद भवन भी है जिससे सारा मतलब कि देश का काम चलता है, तो बच्चे समझकर अपने शब्दों में भी उसको रिपीट कर पाएंगे, अपने शब्दों में व्यक्त भी कर पाते हैं अगर आप बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पढ़ाते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो पहला लेवल होगा मेमोरी लेवल, उसमें आप क्या करेंगे वो होगा कैसे बच्चों के लिए, मेमोरी जो लेवल होगा वो होगा मानसिक अपरिपक्व बच्चों के लिए, और वो कौन से होते हैं? पहली दूसरी वाले। तो छोटे बच्चों को शुरुआत में सिर्फ आपको क्या देना है, सिर्फ आपको उनका बेस बनाना है, और बेस बनाने के लिए बच्चों को आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें जो है बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका मेमोरी लेवल होता है वो यूज होता है छोटे बच्चों के लिए। जब वो स्कूल में आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप उन्हें बार बार याद करवाते हो, तो वो मेमोरी लेवल है। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके बाद आप उन्हें अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पढ़ाते हैं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसमें बच्चे जो आपसे समझते हैं उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, यानी कि बच्चे मौखिक व्याख्या कर सकते हैं, बच्चे वर्गीकरण कर सकते हैं, बच्चे ग्राफ को समझा सकते हैं, उसके अलावा बच्चे यहां पर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी जो है ये शिक्षण का टॉप लेवल नहीं है। यहां पर बच्चे मौखिक रूप से जो समझा है उन्होंने वो बता सकते हैं, मौखिक रूप से जो समझी है चीज उसको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने अगर एक मोबाइल दिखाऊं मैं, बिल्कुल अगर आप किसी बच्चे को ये बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है गुरुजी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, आपने कहा कि बेटा ये मोबाइल है, तो ये जो आपने मोबाइल के बारे में नॉलेज दी है मेमोरी लेवल की थी, और ये कैसे बच्चों के लिए होती है, मानसिक अपरिपक्व बच्चों के लिए जिनको सिर्फ कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और जब बच्चे स्कूल में आते हैं तब उनको मेमोरी लेवल पर पढ़ाया जाता है उनका बेस बनाने के लिए। इसके अंदर तथ्य रिलेटेड सूचनाएं जो है बच्चे को प्रदान की जाती है, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, रूल्स, स्थान, नियम, इन सब के बारे में बच्चे को सिर्फ जानकारी दी जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरा बच्चा है थोड़ा बड़ा, अब उसको ये पता है ये मोबाइल है, वो आपसे पूछ रहा है सर ये जो मोबाइल है ये किस काम आता है, तो उसे ये तो पता है कि ये चीज मोबाइल है क्योंकि मेमोरी लेवल उसका तैयार है, तो आपको मेमोरी लेवल पर नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आपको और थोड़े से उच्च कोटि के हथियार निकालने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए टीचिंग मेथड यूज करने पड़ेंगे, उसको आपको समझाना पड़ेगा ये मोबाइल क्या है, तो उसके अंदर आप उसको ग्राफ से समझाएं, लिखित समझाएं, मौखिक रूप से समझाएं, व्याख्या करवाएं, वर्गीकरण करवाएं, संक्षिप्त करवाएं, बच्चा समझेगा और ये सारी कलाएं वो खुद भी कर पाएगा। सेकंड लेवल से पढ़ाने की फायदे क्या होंगे, व्याख्या, वर्गीकरण, संक्षेप करना, ग्राफ लिखना, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति, अपने शब्दों में बच्चा यहां पर जो होगा जैसा उसने समझा था वो बता देगा। ठीक है, ज्ञान को यहां पर तुलनात्मक रूप में जो है प्रस्तुत करने की कला भी बच्चे के अंदर आ जाएगी, और अन्य परिस्थितियों में भी बच्चा उस नॉलेज का यूज कर पाएगा। जैसे कि आपने बच्चे को बताया था ये मोबाइल है बेटा, इसके अंदर हम कैमरे से फोटो भी खींच सकते हैं, इससे हम गाने भी सुन सकते हैं, इससे हम चैट भी कर सकते हैं, तो बच्चा यूज कर लेगा उनको लाइफ में।
ठीक है, यानी कि अन्य स्थिति में बच्चा यूज भी करना सीख जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन ये टॉप स्तर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इसी लेवल पर अगर हम बच्चों को रिफ्लेक्टिव लेवल पर पढ़ाने लग जाएं, या फिर शुरुआत से ही अगर हम मेमोरी लेवल को ना करें, रिफ्लेक्टिव लेवल पर ही छोटे बच्चों को पढ़ाने लग जाएं। ज्यादातर टीचर भी यही समझते हैं जिनसे आप पढ़ेंगे कि डायरेक्टली ही आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर ले जाओ और मेमोरी लेवल को सिर्फ आप क्या करार दे दो, रोट लर्निंग। तो ये सिर्फ रोट लर्निंग नहीं होती, मेमोरी लेवल सिर्फ रोट लर्निंग नहीं होती। जो टीचर आपको मेमोरी लेवल को पढ़ाने के लिए रोट लर्निंग शुरू में यूज कर ले, मतलब कि उसके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये मानसिक रूप से अपरिपक्व बच्चों के लिए होता है। अगर रोट लर्निंग ही होती तो आप चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के अंदर इस चीज को पढ़ ही क्यों रहे होते। कहीं पर भी आपने देखा है रटना क्या होता है, रटा कैसे जाता है, तो टीचिंग के लेवल में रटने की बात होगी, दिस इज इम्पॉसिबल। तो यहां पर आप जो है लेवल ऑफ टीचिंग के जो है कंसेप्ट से यूट्यूब के ऊपर टीचर्स का लेवल भी जान पाएंगे। और आपने देखा होगा कि तुलनात्मक रूप से ही सिर्फ इनके डिफरेंस बता के ही इस कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, जो कि दर्शाता है कि नॉलेज कितनी है एक टीचर को। खैर कोई बात नहीं, चलिए। तो यहां पर आपने देखा कि आपने बच्चे को बताया कि ये मोबाइल होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन उससे जो बड़ा बच्चा होगा वो अब पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। जीन पियाजे के जो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यहां पर बच्चा मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है, इस वाली में, सेकंड स्टेज में, इस वाली में, थर्ड स्टेज में, और रिफ्लेक्टिव लेवल में, फोर्थ स्टेज में बच्चा पहुंच गया है। ठीक है, अब बच्चा अपनी मानसिक क्षमताओं की चरम सीमा को छू चुका है। अब बच्चा आपसे पूछता है कि सर ये मोबाइल है, इससे हम फोटो ले सकते हैं, इससे हम किसी से बात कर सकते हैं, एक्स वाई जेड चीजें, लेकिन क्या सर ऐसा हो सकता है कि इस मोबाइल से हम जो है जैसे कि इसको वेबकैम की तरह क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या इस मोबाइल से हम जो है कुछ इसके अंदर एडिशनल फीचर जोड़ सकते हैं, क्या हम इसके अंदर आगे पीछे स्क्रीन लगा सकते हैं, कुछ नई बात करने की बात करेगा यहां पर। यहां पर सृजनात्मक अनुदेशन होगा, यहां पर कुछ नया बनने की बात होगी। यहां पर रिफ्लेक्टिव लेवल पर क्या होगा, टीचर पढ़ाएगा नहीं बच्चों को, यहां पर बच्चों के अंदर कुछ नया पैदा करना, नया पैदा करना, इसकी आग लगी होगी। और यही आग लगानी होती है, और ये आग आप छोटे बच्चों और थर्ड स्टेज वाले बच्चों के ऊपर नहीं लगा सकते, तभी लगा सकते हैं जब बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व हो। बच्चा ही जब अपनी मानसिक शक्तियों की चरम सीमा पर नहीं पहुंचेगा तो आप उन्हें इस लेवल पर नहीं पढ़ा सकते। जैसे ही बच्चा पहुंचे, अपना टीचिंग मेथड बदल दो, अपना टीचिंग मेथड वो वाली लेके आओ जो रिफ्लेक्टिव लेवल से जिनका लेना देना है। ठीक है, तो बच्चा खुद ही चीजों का विश्लेषण करेगा, खुद ही संश्लेषण करेगा, खुद ही मूल्यांकन करेगा। पहले चीज में तो सिर्फ नॉलेज ले रहा था आपसे, क्योंकि उसे पता नहीं था किसी भी चीज के बारे में ये होता क्या है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपसे चीजें समझ रहा था, हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल पर आपको बताएगा गुरुजी इसमें हम ये भी कर सकते हैं। तो ये तीन फर्क आ जाते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, क्योंकि मानसिक रूप से वो परिपक्व है। ठीक है, बिकॉज दे आर फुली मेंटली मैच्योर नाउ। और ये उच्चतर माध्यमिक और उसके ऊपर के लिए आप यूज करते हैं। और ये जो तीनों प्रतिमान थे, इनको देने वाले अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे। जो बात मैं अंत में बता रहा हूं, ये बात वीडियो के शुरू में बता के खत्म की जाती है, लेकिन यही तो फर्क है मेरे दोस्त। जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि टीचिंग के तीन लेवल होते हैं, वो थे बीटी, उनका नाम था बीटी, जिन्होंने कहा कि तीन लेवल होते हैं। ये जो पहला लेवल था मेमोरी लेवल, ये था हर्बर्ट का, किसका, हर्बर्ट का। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल था मॉरिसन का, और रिफ्लेक्टिव लेवल था हंट का। रिफ्लेक्टिव लेवल किसका था, हंट का। ये तीन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इन तीनों लेवल के बारे में बात की, और हमने इस पूरी वीडियो में भी इन सब के बारे में बात की। आपने रियलाइज किया कि ये पूरी वीडियो कितनी देर की थी, 15 मिनट से नीचे की। और इस 15 मिनट से नीचे की वीडियो में हमने इतनी तगड़ी तगड़े तरीके से क्लैरिटी से इस चीज को समझा। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। ये कौन सा चैप्टर था वैसे, ये चैप्टर नंबर हमारा
ये हमारा कौन सा चैप्टर था? ये हमारा था चैप्टर नंबर 5। इससे जो अगली वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 6 की होगी। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें, और आप नए हैं तो जरूर वीडियोस को देखना शुरू करें। आप यकीन मानिए जिस तरीके से आप हमारे साथ मिलकर चीजों को समझेंगे, चीजों की तरफ आपको आपकी जो देखने की नजर होगी, आप 15 या 20 दिन के अंदर लगातार अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो मैं तो लगा ही हुआ हूँ यार, 5वें चैप्टर में पहुंची हूँ। तो मैं एडिशनल भी आपको चीजें करवाऊंगा जिससे कि आपको ये जो टीचिंग के एग्जाम से इनके अंदर पैडागोजी के अंदर स्पेशली बिल्कुल ईजी लगेगा, क्योंकि सीटेट तो सभी पास करते हैं, उसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, उसमें लिमिटेड चीजें, लेकिन ये जो आपकी पैडागोजी का सेक्शन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, जिन्होंने लास्ट तक देखा, थैंक यू।